आज मैं आप सभी के साथ रबड़ी मालपुआ की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसमें हम कोई मैदा का यूज नहीं करेंगे। आटे से आज हम ये बेहतरीन मालपुआ बनाकर तैयार करेंगे, जिसका स्वाद मैदे वाले मालपुआ से कई गुना ज्यादा अच्छा होगा। साथ ही इस पुआ में मैंने एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डाली है, जिसकी वजह से ये पुआ एकदम सॉफ्ट रस भरी बनकर तैयार हुई है। तो इस होली आप भी एक बार मेरे इस तरीके से रबड़ी मालपुआ की रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, आप सभी को बहुत ज्यादा पसंद आएगी। चलिए इस सुपर टेस्टी रबड़ी मालपुआ की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। मालपुआ बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे रबड़ी। तो इसके लिए एक पैन में मैंने लिया है 1.5 लीटर फुल फैट मिल्क। आप इसमें फुल फैट मिल्क का ही यूज करें, इससे जो रबड़ी है वो काफी अच्छी बनती है और ज्यादा अमाउंट में बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पे मैंने दूध को चढ़ा दिया है और जैसे इसमें एक उबाल आ जाएगी ना, हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और साइड में जो मलाई जमती जाएगी उसे भी अच्छी तरीके से हम दूध में मिक्स करते जाएंगे। यहाँ पे गैस का फ्लेम आप लो टू मीडियम रखें, बहुत ही हाई फ्लेम पे इसे नहीं उबालना है, नहीं तो जो दूध है वो नीचे से चिपकने लगेगी और आप इसे ना कंटिन्यू चलाते भी रहें। आधे घंटे बाद आप देखेंगे कि दूध का जो क्वांटिटी है वो काफी कम हो गया है। ये देखिए दूध जो है गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है और जो मलाई है उसका आप कंटिन्यू इसमें मिलाते रहें, इससे रबड़ी काफी अच्छी बनती है। जैसे ही दूध गाढ़ा हो जाएगा ना, उसमें इस तरीके से दानेदार टेक्सचर आ जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं एकदम दानेदार टेक्सचर आ गया, मीन्स जो रबड़ी है हमारा वो ऑलमोस्ट रेडी है। तो इस स्टेज पर ना आप गैस का फ्लेम हाई कर दे और इसे कंटिन्यू चलाते रहे। कंटिन्यू चलाते हुए ये तुरंत से गाढ़ा हो जाएगा। अगर आप खोया बना रहे हो तो आप इसे थोड़ा सा और गाढ़ा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे रबड़ी बना रही हूँ इसलिए मैं इसी टेक्सचर में रखूंगी, बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे हम एकदम। वैसे भी जब ये ठंडा हो जाएगा तब थोड़ा सा और भी ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा हो जाने देंगे। और ये देखिए ठंडा होने के बाद जो हमारा रबड़ी है वो थोड़ा सा और गाढ़ा हो गया है। तो पहले से हमें अच्छी तरीके से ठंडा कर लेना है, उसके बाद हम इसे पुआ में यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा रबड़ी है वो अच्छी तरीके से ठंडा हो गया है। अब हम चलते हैं पुआ के लिए बैटर बनाने की ओर। तो एक बड़े से मिक्सिंग बोल में सबसे पहले हम ऐड करेंगे रबड़ी जो अभी हमने बनाया है। तो यहाँ पे मैंने आधे से ज्यादा यूज कर लिया, थोड़ा सा हम बचा लेंगे, गार्निशिंग में यूज करेंगे। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कप गेहूं का आटा, 1/4 कप हम इसमें डालेंगे सूजी। तो मैंने यहाँ पे नॉर्मल सूजी का यूज किया है, बहुत ज्यादा बारीक या बहुत ज्यादा मोटी वाली नहीं है। अगर आपके पास मोटा सूजी ना तो आप उसे ग्राइंडर में डालकर एक बार ग्राइंड कर ले। तो मैंने यहाँ पे लगभग 2 बड़ा चम्मच सूजी ऐड कर दिया है। इसके साथ इसमें हम डालेंगे इलायची का पाउडर। इलायची का पाउडर आप जरूर से डालें, बहुत ही अच्छा फ्लेवर ऐड करता है। साथ ही इसमें हम डालेंगे सौंफ। तो मैंने यहाँ पे सौंफ का पाउडर यूज किया है, आप चाहे तो साबुत सौंफ भी डाल सकते हैं, बट आप सौंफ जरूर से डालें, पुआ में बहुत ही अच्छा फ्लेवर ऐड करता है। इन सबको डालकर हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इसे मिक्स करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप दूध। तो दूध को ना हम एकदम से नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालकर इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और जैसा जरूरत लगेगा ना उसके अनुसार हम डालते जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने पूरा 1 कप दूध ऐड कर दिया है और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। दूध की जो क्वांटिटी है ना वो इस पे भी डिपेंड करता है कि आपका जो रबड़ी है वो कितना गाढ़ा और पतला है। अगर बहुत ज्यादा गाढ़ा रहेगा तो दूध थोड़ा ज्यादा लगेगा, अगर रबड़ी जो है आपकी वो थोड़ी लिक्विडी फॉर्म में होगी तो दूध आपका थोड़ा कम लगेगा। तो मैंने यहाँ पे 1/2 कप दूध और लिया है और थोड़ा सा जैसा जैसा मुझे जरूरत लगा उसके अनुसार मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ये अभी थोड़ा थिक है, इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे, उसके बाद इसकी कंसिस्टेंसी को हम एडजस्ट करेंगे। तो इसे हम 10 मिनट के लिए साइड में रखते हैं जब तक बना लेते हैं चाशनी। तो एक पैन में मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप चीनी, मैंने यहाँ पे लेवल करके 1 कप चीनी लिया है, आप अपनी क्वांटिटी के अनुसार ले सकते हैं। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1 कप पानी। तो 1 कप चीनी के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप पानी का यूज किया है और इसे हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे जब तक चीनी जो है वो अच्छी तरीके से डिजोल्व ना हो जाए। 5 मिनट में ही आप देखेंगे कि चीनी अच्छी तरीके से डिजोल्व हो गई है। हमें चाशनी को बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, 1 तार 2 तार वाली चाशनी हमें नहीं चाहिए, बस हम थोड़ा सा इसे पका लेंगे, एक चिपचिपी फॉर्म में आ जाए तब तक हम इसे पका लेंगे। तो यहाँ पे मुझे पकाते हुए लगभग 7-8 मिनट हो गए हैं। उसके बाद इसमें हम एक ना इलायची को इस तरीके से तोड़कर डाल देंगे। उसके बाद इसमें मैंने कुछ केसर के धागे डाल दिए हैं, केसर डालने से जो फ्लेवर है वो भी अच्छा आता है और जो चाशनी का कलर है वो भी देखने में अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पे थोड़े से केसर के धागे भी डाल दिए हैं और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए ना हम और पका लेंगे। तो यहाँ पे चाशनी को मैंने लगभग 10 से 11 मिनट के लिए पकाया है, बहुत ज्यादा नहीं पकाना है। इस तरीके से जब आप चाशनी को टच करेंगे ना तो जैसा ऑयल का फॉर्म होता है ना उस तरीके से लगेगा, या हल्का सा चिपचिपा लगेगा, उस तरीके समय चाशनी को पका लेना है, बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं करें आप। तो यहाँ पे हमारी चाशनी बनकर भी रेडी हो गई है। अब हम पुआ में डालेंगे एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स, वो है केला। तो जब भी मेरी दादी पुआ बनाती थी ना उसमें केला यूज करती थी, बहुत ही अच्छा टेक्सचर आता है पुआ में, आप जरूर ऐड करें। और केला यदि थोड़ा ज्यादा पका हुआ है तो वो और भी ज्यादा अच्छा है। तो इसे मैंने फोक की हेल्प से अच्छी तरीके से मैश कर लिया है, एकदम स्मूथ कर ले, आप चाहे तो इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा पुआ का बैटर है वो भी अच्छी तरीके से फूल गया है, तब हम इसमें ये मैश किया हुआ केला डाल देंगे और उसके साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे
करेंगे दूध। तो यहाँ पे दूध को अगेन हम थोड़ा थोड़ा करके ही मिक्स करेंगे और अच्छी तरीके से हमें एक ही डायरेक्शन में इसे मिक्स करना है। और बस लास्ट का बचा हुआ सारा दूध मैंने डालकर इसकी कंसिस्टेंसी को एकदम एडजस्ट कर लिया है। इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो एकदम पोरिंग होनी चाहिए। इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने उठाया और कितनी अच्छी तरीके से इसकी लेयर गिर रही है। हमें इस तरीके की पोरिंग कंसिस्टेंसी वाली जो बैटर है वो चाहिए। तो यहाँ पे पुआ का जो बैटर है वो रेडी हो गया है। अब हम चलते हैं पुआ छानने की ओर। तो यहाँ पे पुआ छानने के लिए ना मैंने इस तरीके से चौड़े सतह वाली जो कढ़ाई होती है उसका यूज किया है। आप भी इस तरीके का ही कढ़ाई यूज करें। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई है तो वो एकदम बेस्ट है। मेरे पास नहीं थी तो मैं नॉनस्टिक यूज कर रही हूँ। अब आप इसमें तेल या घी ऐड कर दें और इसे जो है मीडियम गर्म हो जाने दें। तेल को हमें बहुत ज्यादा या बहुत कम गर्म नहीं करना है, मीडियम गर्म कर ले। उसके बाद इसमें हम पुआ का बैटर डाल देंगे। तो यहाँ सेंटर पे पहले मैंने एक पुआ का बैटर डाला है और इसके ऊपर हम कंटिन्यू इस तरीके से तेल डालते जाएंगे और एक दो मिनट में ही आप देखेंगे कि पुए के जो किनारे हैं उसमें बबल्स आ गए हैं और जो पुआ है वो थोड़ा थोड़ा फूलने लगा है। इससे पता चलता है कि पुआ जो है आपका वो एकदम परफेक्ट बना है। तो यहाँ पे मैंने लो फ्लेम पर इसे 3-4 मिनट के लिए पका लिया है और जैसे ही तेल के ऊपर ये तैरने लगेगा हम इसको पलट देंगे। और यहाँ पे जगह बनाकर मैंने दूसरा पुआ भी डाल दिया है। पुआ को आप हमेशा लो टू मीडियम फ्लेम पे ही पकाएं, कभी भी आपको हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर आप इसे अच्छी तरीके से पका लें। अगर आपको पुआ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट पसंद है तो आप इसे थोड़ा कम रेड करें, मुझे थोड़ा क्रिस्पी पसंद है तो मैं इसे थोड़ा सा ज़्यादा कलर आने पर निकालती हूँ। तो यहाँ पे पुआ में एक बढ़िया सा कलर आ गया है, तब हम इसे तेल से बाहर निकाल लेंगे। इससे पहले आप इसे ना दो कलछुल के बीच में रखकर इसके जो एक्सेस ऑयल है उसको जरूर से निकाल लें और बस इसे हम गर्मा गर्म चाशनी में डाल देंगे। तो पुआ या चाशनी कोई एक चीज अच्छी तरीके से गर्म होनी चाहिए। यहाँ जो पुआ है वो भी एकदम गर्म है और जो मेरा चाशनी है वो थोड़ा सा वार्म है, बहुत ज्यादा गर्म नहीं है, हल्का वार्म चाशनी है। तब हम इसमें पुआ को डिप कर देंगे और इस तरीके से मैंने दूसरा पुआ भी इसमें ऐड कर दिया है और इसे 3-4 मिनट के लिए हम चाशनी में छोड़ देंगे ताकि जो पुआ है वो चाशनी अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर ले। जब तक हम बाकी का पुआ छान लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 पुआ को एक साथ छान लिया है, मेरे कढ़ाई में 3 ही अट सकती थी तो मैंने 3 निकाला है। यहाँ पे 3-4 मिनट हो गए हैं, पुआ जो है चाशनी को बहुत ही अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर लिया है। तब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और उसके बाद इसमें हम बाकी का पुआ डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने दूसरे राउंड का भी पुआ जो है उसको डाल दिया है और इसे भी हम 3-4 मिनट के लिए चाशनी में डिप करके छोड़ देंगे। तो इस तरीके से मैंने बाकी के सारे पुए बनाकर तैयार कर लिए हैं और ये देख सकते हैं कितना परफेक्ट लग रहा है हमारा पुआ। इसके ऊपर हम ये रबड़ी डाल देते हैं जो हमने बनाया है। तो थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर ना रबड़ी डाल दिया इस तरीके से। आप चाहे तो बिना रबड़ी वाला भी खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। गार्निशिंग के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पिस्ता का यूज़ किया है और ये हमारी रबड़ी मालपुआ बनकर तैयार है। आप भी एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिए, आप सभी को बहुत ज्यादा पसंद आएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मालपुआ कितना ज्यादा सॉफ्ट है और जो रस है वो एकदम अंदर अंदर तक भरा है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट नरम मुलायम बनता है। एक बार आप इसे इस तरीके से बना लेंगे तो आप हमेशा इसे ऐसे बनाना पसंद करेंगे और मैदे वाले जो पुआ है उसे तो आप भूल ही जाएंगे। तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी और यदि रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले। फिर मिलती हूँ वीडियो में एक ऐसे ही नई मजेदार और आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।